हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज है मंगलवार और आज मैं गई थी पालमपुर, और पालमपुर से अभी बैजनाथ आई हूँ। मेरा यहाँ पे भाई जी हैं, उनके घर में जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। तो हम बहुत ही सालों बाद यहाँ पे आए हैं। देखिए सामने का व्यू कितना सुंदर नज़र आ रहा है। रास्ते का पता नहीं है, पहले तो खेतों में होकर जाते थे, अभी ढूंढना है रास्ता। देखिए कितना ही सुंदर व्यू है यहाँ का। दिल कर रहा है कि यहीं पे ही रह जाएं। आगे दिखाऊंगी मैं आपको। तो गाइस हम पहुंच ही गए, और यहाँ से देखिए व्यू कितना ही सुंदर नज़र आ रहा है। हर तरफ देखिए, इतने सालों बाद हम यहाँ पे आए हैं, और शायद हम अब इसके बाद हम लुंगड़ू, पहाड़ी भाषा में सब्जी देसी होती है, वो यहाँ पे मिलती है, उसको ढूंढने भी जाना है थोड़ी देर। तो देखिए कितना ही सुंदर जगह है, मनमोहक दृश्य। तो गाइस अभी हम खाना खा के निकले ही हैं, 3:30 हो गए हैं, भाई के घर पहुंच चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं लुंगड़ू की तलाश करने जा रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ से होकर जाना है। देखिए हम आ गए हैं कौसैड में, और देखिए यहाँ की कौसैड कैसे कैसे होती है गाइस, पत्थरों से बनी हुई है अंदर से। हमारे यहाँ बनाते हैं मिट्टी से, ईंटों से, ये भी बाहर से मिट्टी से बनी थी, लेकिन अंदर जो है वो पत्थरों से बनाई हुई है। इतना सुंदर व्यू। चलो देखिए गाइस अभी हम जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, कैसे आवाज़ लगा रहा है। देखिए हम सभी जा रहे हैं लुंगड़ू बीनने देखने देसी। और देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और ये है मेरी भाभी जी, और ये है मेरा भतीजा। तो चलिए नीचे का व्यू देखिए। ए नीचे क्या है, गाड़ी? अच्छा ये देखिए लुंगड़ू को। ये भी लुंगड़ू था, ये जड़ था वो आगे भी। हम उठा के देख बताऊं क्या मैं, ये भी लुंगड़ू था। ये क्या भी यार, लगी जंगल में क्या मैं रहने देना था। ये देखिए लुंगड़ू गाइस, ये नहीं है, ये नहीं होती है। मामा ये जो साइड से कितना सुंदर व्यू है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। नींदर नहीं आनी बोलना। देखो गाइस बच्चे को जिन्हें नहीं पता हो दीदी। देखिए गाइस नीचे खड्ड है, और रास्ता कैसा कैसा है यहाँ पे। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल खड्ड के पास। देखिए ऐसे पानी चला हुआ है गाइस,
आज तो हमारी पिकनिक ही बन गई। देखिए रोमित कहाँ चला गया, चलो फोटो खींची दान दे। देखिए गाइस, मैं क्या फोटो खींची दान दे। तो गाइस सभी जा रहे हैं लुंगड़ू को ढूंढने। देखिए देखिए यहाँ ऊपर जा रहे हैं, मिलता है कि नहीं। गाइस देखिए ये है लुंगड़ू, लेकिन लोग पहले से ही ले गए, हम से आने से पहले ही लोग लेकर चले गए। तो हम फिर जा रहे हैं ढूंढने, आगे चलते हैं, मिलता है कि नहीं। तो देखिए ऊपर का व्यू कितना सुंदर, और खड को देखिए कितने मनमोहक। और ये मिल गया मुझे लुंगड़ू गाइस, ये देखिए लुंगड़ू, देखिए हाँ मिल गया लुंगड़ू, कितना सुंदर है। और यहाँ से पानी भी चल रहा है। देखिए कैसे रास्ते हैं, और हम लुंगड़ू को लगातार ढूंढते जा रहे हैं। देखिए गाइस कितना ही सुंदर लग रहा है। अच्छा और ये बकरियां चराई हैं लोगों ने, और लकड़ियां यहीं पे छोड़ दी है ना। सही पकड़े है, दो गाइस देखिए कितना ज्यादा लुंगड़ू, कितना बड़ा लंबा लंबा, ये देखिए कितना सारा ढूंढ लिया है। मैंने तो वीडियो बनाई और बैग में भी डाल के रखा है मैंने। देखिए कितना बड़ा बड़ा खोला ये, कितना बड़ा बड़ा। और वो देखिए एक बैग वो भर रही है, जिसको हम पहाड़ी में झोला भी बोलते हैं। तो गाइस हम कहाँ आ गए, ऊपर पहुँच चुके हैं, और कितना सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। और देखिए रोमित को, तो देखिए कितने ऊँचे, और नीचे की तरफ देखिए पेड़ ही पेड़ हैं, कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। तो गाइस हम लुंगड़ू लेकर आ गए हैं वापस। तो चलिए देखिए व्यू, हम लुंगड़ू लेकर वापस आ गए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए नीचे की तरफ से जाना है, यहाँ से होकर जाना है, और वहाँ पार खड के ऊपर पहुँच जाना है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और भाभी से मिलकर और बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई तो ड्यूटी पे हैं, वरना वो भी हमारे साथ आते। हम पहले 4 साल पहले यहाँ पे आए थे, उस टाइम भाई भी यहाँ पे थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाइस। ओ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, और वो देखिए सामने पैराग्लाइड जो है वो उड़ रहे हैं, लेकिन
यहाँ से तो नज़र, कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहे, जूम करके दिखाती हूँ। वो देखिए वो उड़ रहे हैं। तो चलते हैं घर को, टाइम हो गया है 7 बजने वाला। तो देखिए नीचे घरों को कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं नीचे, देखिए। और घूर के डैडी चले गए जल्दी जल्दी नीचे, और मैं रह गई वीडियो बनाते ही बनाते। ए तो गाइस हम पहुंचने ही वाले हैं जहां पे हमने बाइक लगाई थी जाते बार, और वो पैराग्लाइड उड़ रहे हैं, बिल्कुल धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे रखी है बाइक उस गाड़ी के पास। तो अब चलते हैं घर को, शाम होने वाली है। और यहाँ का व्यू देखिए कितना ही सुंदर नज़र आ रहा है।